हाँ मधु, तुम ही हमारी वीआईपी हो। कम ऑन प्लीज कम। इधर आना। मिस राज, ओके ब्रो, ऑलराइट, यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम? कांग्रेचुलेशन प्रिया। अरे राज, विकी भाई आ गए। एक्सक्यूज मी। कांग्रेचुलेशन प्रिया, कांग्रेचुलेशन राज। थैंक यू। अरे भैया, भाभी नहीं आई? अरे परसों मेरे मुन्ने का मुंडन है ना, इसलिए वो बिजी है वहाँ। लेकिन मैं तो आया हूँ और मैं आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूँ कि परसों आप दोनों को मेरे बेटे के मुंडन में जरूर आना है। ओके। हेलो। हाय। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। कमाल है, कितना चेंज आ गया है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक धंधे वाली हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे और राज के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहती। अच्छी चीज का मैं भी कदरदान हूं। माल अच्छा हो तो पैसे की फिक्र नहीं करता। जैसे ही राज से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना। जितना पैसा राज दे रहा है उससे डबल दूंगा। पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चली? मुझे आनी रहना, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो। अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चा ही चाहिए था ना, तो वो तो मैं तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी के लायक बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं धंधे वाली हूँ। इतना चीप तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या जी ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी, मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जांच नहीं कर सकती। राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशेज हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना, आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। राज, इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया कि ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। मधु कैसी है? मैं अभी अभी उसके रूम से आ रही हूँ। वो अब तक नाराज है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं? नहीं नहीं, तो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो।
ये लो जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूं कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी बीवी प्रिया को नहीं बताई, तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। I'm sorry. पी लो सिगरेट। हाय, नहा रही थी? राज घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, राज ऑफिस गया है और लेट आने वाला है, और प्रिया भी घर पर नहीं है, अपने कजिन के आ गई है, इसलिए तो आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका मिलते ही रेप करेगा, रेप करेगा। राज मेरी, राज क्या कर रहा है तू? एक दो टके की धंधे वाली के लिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है? ये तुझे दो कौड़ी की धंधे वाली दिखाई देती? मुझे तो नहीं दिखाई दी, तुझे कैसे दिखाई दी? तुझे कैसे दिखाई दी? कैसे दिखाई दी तुझे? राज ऐसी लड़की के लिए तू अपने बचपन के दोस्त पर हाथ उठा रहा है? बचपन का दोस्त, मेरा भाई भी होता ना, तब भी मैं तुझे जान से मार देता, समझा? इसके लिए अपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लात मार रहे तू? इसके लिए 500 करोड़ क्या, पूरी दुनिया की दौलत को भी ना ठुकरा दूंगा, समझा? मालूम क्यों? क्योंकि शी इज प्राइसलेस फॉर मी। दोस्त है ना, इसलिए तू यहां से निकल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा?
मधु। हाँ? ये लो। क्या सोच रही थी? अपना बचपन याद कर रही थी, जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती थी कि एक गरीब लड़की थी। एक दिन उसके पास सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आया और उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया और फिर उसके सारे सपने पूरे हो गए। मैं भी सोते जागते यही सपना देखा करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई, उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया, सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी, असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, जल्दी से सामान नीचे उतार, चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया। हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी, वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये? अच्छा, हाँ, सुनो, ये ठीक है। ये घंटा भी तुम पहले लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के फूल। हाँ, मुझे मालूम है, पूजा के फूल है। पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम घंटा भी लेना। हाँ, बहू हम आ गए। अरे कहाँ हो? इसे फूले नहीं समाओगे। अरे दादाजी। माँ। दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। How are you बेटा? Good to see you. Good to see you. माँ। सरप्राइज किया ना? पप्स। जीते रहो बेटे, जीते रहो। This is not fair. Why? बिना खबर की आप लोग ऐसे ही पहुँच गए? Surprise, surprise. भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध रही है? तकिया बांध रही है? हाँ। क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। ओ, तकिया, तकिया।